हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टराइजेशन ऑफ क्लोज सेट इन टर्म ऑफ ड्राइव सेट। तो आज हम क्लोज सेट पर बेस्ड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, देखिए, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज क्लोज्ड इफ ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए क्लोज्ड है तो आपको प्रूव करना है कि ड्राइव सेट ऑफ ए है वो किसका सबसेट है, ए का। और अगर आपको ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ए इधर रखा है तो आपको ए को क्या करना है, प्रूव क्लोज करना है। इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, या इसको लिख सकते हैं दैट इज इफ ए यूनियन डी ड्राइव सेट ऑफ ए बराबर ए, या इसका स्टेटमेंट है और दे रखा आपको स्टेटमेंट का एक और अर्थात मतलब स्टेटमेंट की दूसरी फॉर्म दे रखी है आपको, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज क्लोज्ड इफ ए कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज क्लोज्ड इफ ए कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ए कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट होता है उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, ड्राइव सेट ऑफ ए। तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, प्रूफ होगा, फॉर्म होगी। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखें पहले, लेट ए बी क्लोज सेट, ए क्लोज दे रखा है तो आपको क्या प्रूफ करना है, ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है। तो लेट क्या लेके चलते हैं, ए बी क्लोज सेट, देन टू शो दैट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, सिंस ए इज क्लोज तो इम्प्लाई डैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, देन ए डैश इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट ए डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, फाइव होगा। तो इम्प्लाई डैट एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्वेश्चन में लिख सकते हैं ए डैश इज एन बी डी ऑफ एक्स सच दैट ए डैश इज एन बी डी ऑफ एक्स सच दैट ए डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या है, फाइव। ए डैश इज क्या होगा, एन बी डी ऑफ एक्स होगा। तो इम्प्लाई डैट क्या होगा, एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए, तो एक्स किसमें बिलोंग्स करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, किसमें बिलोंग करेगा, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए तो किसमें बिलोंग करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए। तो थस एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे, ए का कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इम्प्लाई डेट क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट ए डैश सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी ऑफ ए। अब चूँकि आपने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब चूँकि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सबसेट दे रखा किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए सबसेट होगा बी का, तो इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा किसका, ए का। तो आपको जो रिजल्ट आना था वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल गया। तो ए क्या लेके चले थे, क्लोज लेके चले थे, और क्या प्रूव कर दिया आपने, डी ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। इसमें लास्ट में थ्योरम यूज लिया हमने, एक थ्योरम है वो आपने प्रूव किया पहले, उसके स्टेटमेंट को यूज लिया है, अगर ए सबसेट है वी का तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सबसेट होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका बाद इसका कन्वर्स पार्ट देखें, अगर आपको लेट आप लेके चलें ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट है ए का, तो टू सो दैट ए इज क्लोज, तो आपको ए को क्या प्रूव करना है, क्लोज प्रूव करना है, या ए को क्लोज प्रूव कर दो, या वी शैल प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए डैश इज ओपन। अगर ए को क्लोज कर दो या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए डैश इज क्या कर दो, ओपन कर दो, प्रूव कर दो, तो इसमें से कोई भी रिजल्ट प्रूव कर दो। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, तो इम्प्लाई डैट
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स किसमें लेके चल रहे हो आप, ए डैश में लेके चल रहे हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एक ही कॉम्प्लीमेंट में से अगर एक्स को ले रहे हैं तो इम्प्लाई डेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाई डेट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए, क्योंकि आपको दे रखा है सिंस ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, अगर ड्राइव सेट ऑफ ए होता है वो क्या होता है लिमिट पॉइंट होते हैं उनका क्या होता है एक सेट होता है, सेट होता है, जो भी लिमिट पॉइंट होते हैं उनको एक सेट के रूप में लिखते हैं तो उसे ड्राइव सेट ऑफ ए बोलते हैं, तो इम्प्लाई डेट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट देयर एग्जिस्ट ए एन वी डी जी ऑफ एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ए एन वी डी जी ऑफ एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव, तो इम्प्लाई डेट जी ऑक्स जी एक्स सबसेट होगा किसका ए के कॉम्प्लीमेंट का, जी एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू कितना है फाइव है, तो अगर जी एक्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ ए के, तो क्या मिल रहा है आपको फाइव मिल रहा है, तो जी एक्स किसमें कंटेंट जी एक्स किसका सबसेट होगा जी एक्स किसमें कंटेंट करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में करेगा, तो जी एक्स सबसेट होगा किसका ए डैश का, तो थस ए डैश कंटेन एन वी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ए डैश कंटेन एन वी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अगर ये कंडीशन हो थस ए डैश कंटेन एन वी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो इम्प्लाइड ए डैश इज क्या होगा ओपन होगा, तो इम्प्लाई अगर ए डैश ओपन है तो ये क्या होगा क्लोज होगा, तो आप क्या लेके चले थे ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट है किसका ए का, और आपने क्या प्रूव कर दिया ए इज क्लोज, तो ये आपका थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी क्या हो गया प्रूफ हो गया, तो इस प्रकार आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो गई कंप्लीट प्रूफ हो गई, तो पहले आपने इसके नेसेसरी पार्ट को प्रूफ किया उसके बाद इसके सफिशिएंट पार्ट को प्रूफ कर दिया, तो पहले आप ए को क्लोज लेके चले थे तो आपने ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए प्रूफ किया, उसके बाद ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए लेके चले तो ए को आपने क्या प्रूफ किया क्लोज प्रूफ किया, तो इसमें आपने जो भी पहले की थ्योरम है उनके स्टेटमेंटों को क्या लिया यूज लिया। इसके बाद हमारा अगली थ्योरम है, एक थ्योरम है उसके चार स्टेटमेंट है उन चार दे रखे हैं उनको प्रूव करना है, लेट एक्स कॉमा टी वी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए कॉमा बी वी सबसेट ऑफ एक्स, देन पहला है प्रूव करना है जो आपका ड्राइव सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई, सेकेंड है ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी, तीसरा नंबर का है ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी, और डी है जो चौथा नंबर का है वो प्रूफ करना है आपको, इसका चौथा पार्ट है इस थ्योरम का ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, तो ये थ्योरम दे रहा कि आपको इसके कितने पार्ट है चार पार्ट है, तो चार पार्ट इसके प्रूफ करना है, पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है ड्राइव सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई ये प्रूफ करना है, तो पहला पार्ट का प्रूफ देखें सिंस फाई इज क्लोज्ड, चूँकि फाई है वो क्या होता है ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, सिंस तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस में होता है फाई, तो वो क्या होता है टोपोलॉजी होती है उसमें फाई लेते हैं हम, कोई टोपोलॉजी ले और उसमें फाई लेते हैं तो वहाँ क्या होता है फाई ओपन होता है, तो हम सिंस क्या लेंगे सिंस फाई क्लोज, तो इसलिए देयरफोर अगर फाई क्या लें हम सिंस का मतलब है माना कि हमने क्या लिया सिंस फाई क्लोज्ड है, तो पिछली थ्योरम पढ़ी है अगर ए क्लोज्ड है तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्या होगा ए होगा, तो और टोपोलॉजी के अंदर हम लेते हैं टोपोलॉजी होती है कोई उसमें आता है फाई एक्स ये क्या होता है फाई वहाँ पे ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं पहले थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तो सिंस फाई क्लोज्ड तो देयरफॉर ड्राइव सेट ऑफ फाई सबसेट होगा किसका फाई, ड्राइव सेट ऑफ फाई किसमें कंटेन करेगा फाई में कंटेन करेगा, किससे लगाया थ्योरम पिछली थ्योरम जो हमने पढ़ी है अभी उसमें था अगर ए क्लोज्ड है तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ए का, उससे लिख दिया पहला स्टेटमेंट, बट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट,
व्हाट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल राइट है। तो इसलिए देयर फोर फाई इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ फाई, तो दोनों जो रिजल्ट हैं इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ड्राइव सेट ऑफ फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई। चूँकि फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है कोई भी सेट, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो ड्राइव सेट ऑफ फाई बराबर क्या आएगा, फाई। तो पहला पार्ट इस थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जो आपको प्रूव करना है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा किसका, ड्राइव सेट ऑफ बी का। ड्राइव सेट के ऊपर ये क्या है, थ्योरम है, पूरी थ्योरम किसके ऊपर है, ड्राइव सेट के ऊपर। लेट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए, देन एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो देयर फोर फोर एवरी एन बी डी एन ऑफ एक्स वी है, तो किसकी डेफिनेशन से लिखोगे, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, फोर एवरी, चूँकि एक्स क्या दे रखा है, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो देयर फोर फोर एवरी एन बी डी एन ऑफ एक्स वी हैव एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल फाइव, नॉट इक्वल फाइव। और वी के चूँकि ए सबसेट क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, अगर एन ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है तो अगला स्टेप क्या लिख सकते हो, एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाइव। चूँकि ए सबसेट ऑफ क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है, तो इम्प्लाई डेट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी, तो इम्प्लाई डेट एक्स बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ बी। और चूँकि लेके क्या चले थे, एक्स बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ ए, और क्या मिला आपको, एक्स बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ बी, तो देयर फोर ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है इस थ्योरम, सेकंड जो पार्ट है इस थ्योरम का, वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें तीसरा पार्ट, आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। तो सी पार्ट के लिए देखें आप, सिंस आप जानते हो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ए का, क्योंकि ए और बी दोनों में से क्या ले, कॉमन पार्ट ले, या तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, या ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, बी का। तो ए इंटर पहला पार्ट लेके चलते हैं, इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ए का, तो इम्प्लाई डेट अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी, अगर ए सबसेट है वी का तो इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा किसका, ड्राइव सेट ऑफ बी का, तो इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए, इसलिए थ्योरम का स्टेटमेंट यू लिया। एंड आल्सो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होगा, तो ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ड्राइव सेट ऑफ बी। और दोनों रिजल्टों को अगर कंबाइन करके लिख दें, दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, तो क्या मिलेगा आपको, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। तो आपका इसका तीसरा पार्ट भी क्या हो गया, थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसके बाद आपका चौथा पार्ट देखें जो यूनियन पर बेस्ड है, उसमें क्या है, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सिंस ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, या वी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, ये आप जानते हो, चूंकि ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के जो भी एलिमेंट है उनको क्या लिखें, सबको सम्मिलित करके लिखते हैं यूनियन बी, तो ए और बी दोनों से बड़ा सेट होता है क्या, ए यूनियन बी, दोनों को सम्मिलित करके लिख दिया, इसलिए ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो ए अगर ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, तो इम्प्लाई डेट क्या लिखोगे, जो आपने पिछली थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी, ए सबसेट है अगर बी का तो ड्राइव ऑफ सेट ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ बी का, तो इसे लिखोगे ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी प्रकार अगर बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, तो इम्प्लाई डेट क्या लिखोगे, ड्राइव सेट ऑफ बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। और अगर दोनों रिजल्ट हैं तीसरा और चौथा, दोनों का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, पाँच।
इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 5 नाम दिया। इसके बाद देखें आप, चूँकि आपने ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी सबसेट ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, और चूँकि हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है, आपको क्या इक्वल प्रूव करना है, चूँकि आप देखें स्टेटमेंट इस थ्योरम का, इसको रिजल्ट को क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए क्या होता है, अगर ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट ऑफ एक बी सबसेट है, अगर ए सबसेट है बी का तो बी किसका सबसेट होगा, ए का, तो दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, इस रूप में लाना पड़ता है। तो अब इसको ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी है, उसको सबसेट किसका शो करना है हमें, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, ये भी शो करना पड़ेगा। जब जाके दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें इक्वल आएगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, टेम्प्लाई डेट ये लेके चलते हैं, टेम्प्लाई डेट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, तो एम्प्लाइड एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ, अगर लेट लेके चलें, माना कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो एम्प्लाइड एट एक्स इज ए क्या होगा, क्योंकि ड्राइव सेट होता है वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है उनका, क्या होता है, सेट होता है, तो क्या इसलिए क्या होगा, एक्स इज ए क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी का। तो एम्प्लाइड एट एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन जो भी है किसका लिमिट लिमिट पॉइंट है, ए यूनियन वी का, और वहाँ किसका लिमिट पॉइंट होता था, ए का, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन वी नॉट इक्वल फाई, नॉट इक्वल फाई फॉर एवरी एन वी डी एन ऑफ एक्स के लिए, तो इम्प्लाई डेट एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन और यूनियन की क्या लग ली, जो भी प्रॉपर्टी हुई ले ली, इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन आएगा, यूनियन एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन b not equal phi, तो imply that n minus x intersection a not equal phi, और union है तो क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, और m minus x intersection b not equal phi, तो imply that x is a limit point of a और x is a limit point of b, since हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि फाई का अगर यूनियन लें किसके साथ, फाई के साथ, तो हमें क्या मिलता है, फाई मिलता है, अगर फाई का यूनियन लें किसके साथ, फाई के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलता है। इसलिए हमने जो पार्ट है एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए, इसको अलग करके लिख दिया, नॉट इक्वल फाई, और एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाई, दोनों को अलग लिख दिया, तो इम्प्लाई डेट क्या हो गया, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी, तो इम्प्लाई डेट एक्स बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ ए और एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ बी, तो इम्प्लाई डेट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन, और की जगह ले लिया यूनियन, ले लेते यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, तो थस लेके चले थे एक्स बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, इम्प्लाई डेट क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, तो देयर फोर ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। तो इक्वेशन नंबर, इसको नाम क्या दिया, 6, तो इक्वेशन 5 और 6 दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या मिला, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, जो आपका चौथा पार्ट है इस थ्योरम का, वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार हमने इस थ्योरम के चारों पार्टों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हॉल्ड्रॉफ स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेड टू बी हॉल्ड्रॉफ स्पेस, या इसको सेपरेटेड स्पेस भी बोलते हैं या टी टू स्पेस भी बोलते हैं, इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, कैसे पॉइंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए, पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट एनवीडी ऑफ एक्स एंड वाई, देयर एग्जिस्ट क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट एनवीडी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की जो एनवीडी है वो भी क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, दैट इज देयर एग्जिस्ट एनवीडी एन ऑफ एक्स एंड एम ऑफ वाई सच दैट, अगर x की एन वी डी क्या है, n है और m की y है, y सच दैट n इंटरसेक्शन m इक्वल टू फाई,
डिसजॉइंट इज क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पाई होगा। इफ एक्स कॉमा टी इज ए हॉल ड्रॉप स्पेस देन टी इज सेट टू बी हॉल ड्रॉप टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो ये क्या हुआ है, हॉल ड्रॉप स्पेस की डेफिनेशन होगी। इसको सेपरेटेड स्पेस भी बोलते हैं और टी टू स्पेस भी कहते हैं। इसके लिए क्या है, अगर फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट एन वी डी ऑफ एक्स एंड वाई। अगर डिसजॉइंट एन वी डी होगी तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई के इक्वल होगा। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स बराबर एक सेट लेते हैं, सो तीन एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड एक टोपोलॉजी है टी वन, उसमें सेट दे रखा है पहला सिंगलटन सेट है फाई, दूसरा सिंगलटन सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है ए, दो एक में बी एक में सी, इसके बाद अगला सेट है उसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, अगले सेट में बी कॉमा सी, अगला सेट में सी कॉमा ए, अगला सेट है एक्स फोर एंड टी टू टोपोलॉजी दे रखी है फाई ए और एक सेट है उसमें दो एलिमेंट है फी कॉमा सी एंड एक्स। देन एक्स कॉमा टी वन इज ए हॉट ड्रॉप स्पेस सिंस ईच सिंगलटन सेट इज टी ओपन सो दैट डिस्टिंक्ट पॉइंट हैव डिसजॉइंट एन वी डी। जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ईच सिंगलटन सेट, इसके जो ईच सिंगलटन सेट है ए बी सी, ईच सिंगलटन सेट इज टी वन ओपन सो दैट डिस्टिंक्ट पॉइंट हैव डिसजॉइंट एन वी डी। इसलिए क्या है, हॉल ड्रॉप स्पेस है बट एक्स कॉमा टी टू इज नॉट, टी वन टोपोलॉजी के लिए जो एक्स कॉमा टी वन लिखा वो हॉल ड्रॉप स्पेस है और लेकिन टी टू जो टोपोलॉजी है बट एक्स कॉमा टी टू इज नॉट ए हॉल ड्रॉप स्पेस सिंस देर एग्जिस्ट नो डिसजॉइंट एन वी डी ऑफ बी एंड सी। चूँकि यहाँ पे सिंगलटन सेट सिर्फ किसके लिए, ए के लिए, वहाँ तो सिंगलटन सेट किसके लिए भी था, बी के लिए भी सिंगलटन सेट है, सिंगलटन एलिमेंट है अकेला बी, वहाँ सी भी सिंगलटन था, लेकिन यहाँ पे बी और सी सिंगल नहीं है, ये किसमें एक सेट के रूप में है बी कॉमा सी। तो इसलिए वट एक्स कॉमा टी टू इज नॉट ए हॉल ड्रॉप स्पेस सिंस देयर एग्जिस्ट नो डिसजॉइंट एन वी डी ऑफ बी एंड सी। तो ये हॉल ड्रॉप जो स्पेस है उसको मैंने आपको डेफिनेशन से समझा दिया और एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमने पढ़ाया है, एक तो हमने आपको एक दो थ्योरमों के बारे में पढ़ाया है। पहली थ्योरम, अगर ये क्लोज्ड है तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए होता है, और अगर ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए है तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ये प्रूव किया। उसके बाद एक थ्योरम थी उसके चार पार्ट से उसको प्रूव किया। उसके बाद मैंने आपको हॉल ड्रॉप स्पेस के बारे में पढ़ाया। जब भी आपको टाइम मिले आप इनके बारे में पढ़ें, जिससे इनसे तो रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए आगामी क्लास में वो आपको समझ में आ सके। ओके।